हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल टूडे आई शल कंटिन्यू विद एज यू लाइक इट रिटर्न बाई विलियम शेक्सपियर एक्ट टू सीन फाइव मैं आपको बता देती हूँ कि ये सीन इट इज़ नॉट एज वेरी इंपॉर्टेंट सीन इट इज जस्ट ये शेक्सपियर ने ये बीच में ये सीन को डाला थोड़ा मेरी के थोड़ा खुशी मतलब ताकि ऑडियंस बहुत ही सीरियस सीन्स देख रही थी तो यहाँ पे थोड़ा मेरी हैप्पीनेस के लिए ये सीन को यहाँ पे डाला गया है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी लाइंस है जो आपको समझ में नहीं आएगी तो एक्सप्लेन कर देनी हो बट मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में हाँ कुछ कुछ लाइंस है जो मैं आपको बता दूंगी जो जिसके चांसेस है कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है उसमें सो so, एंड uh, जैसे हमेशा कहती हूँ अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू तो माई नॉन सब्सक्राइबर्स प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स नाउ लेट्स बिगिन एक्ट टू सीन फाइव एंटर एमिन एम आते हैं और वो लॉर्ड है जैसे आपको पता है ड्यूक सीनियर के वो गाना गाते है वो कहते हैं अंडर द ग्रीन वुड ट्री मतलब जो इस ग्रीन वुड ट्री के नीचे है हु लव्स टू लाइव विथ मी जिसको जो खुशी खुशी मेरे साथ यहाँ रहना चाहता है एंड टर्न हिस्स मेरी नोट मेरी नोट मतलब गाना जो मेरे साथ गाना गाना चाहता है अंड टू द स्वीट बर्थ थ्रोट मतलब जो स्वीट बर्ड जैसे गाना गाती है ना जंगल में वो लोग हैं अगर उसके रिधम को आपको फॉलो करना है उसके जैसे गाना गाना है स्वीट बर्ड थ्रोट कम कम हियर कम हम कम हियर कम हम कम हियर हियर शेल ही सी यहाँ उन किसी भी इंसान जो यहाँ आना चाहता है येल ही सी नो एनिमी उसको यहाँ एक भी एनिमी नहीं मिलेगा बट बट विंटर एंड रफ वेदर बस यहाँ विंटर और रफ वेदर ही उसका एक होगा बाकी यहाँ कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही पीस है यहाँ पे बहुत आराम है तो जैक्स कहते हैं मोर मोर आई प्रदी मोर वो कहते हैं और और तो ये मीन्स कहते हैं इट विल मेक यू मिलान केली मोइ जैक्स ये तुमको सैड कर देगा तो जैक्स कहते आई थैंक इट मैं आपको ग्लैड रहूंगा अगर आप मुझे सैड करेंगे तो आई प्रदी मोर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आई कैन सक मिलान केली आउट ऑफ अ सॉन्ग मैं एक मिलान केली को सक मतलब नि निकाल लेता हूँ अपने अंदर से मतलब एक मतलब नहीं कि कोई भी गाना अगर आप लोग गा रहे हैं उसके अंदर जो सैड पार्ट है मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ सक कर लेता हूँ आउट ऑफ अ सॉन्ग एज अ वीजल सक्स एग्स वीजल जैसे नेवला जैसे नेवला अंडा को जैसे सक कर लेता वैसे मैं कर लेता हूँ उतनी जल्दी तो मुझे यह बात की खुशी हो रही है मोर आई प्रीदी मोर फिर वो कहते हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज और गाओ तो ए मीन्स कहते माई वॉइस इज रैक्ट मेरा आवाज जो है वो खराब है आई नो आई के नॉट प्लीज यू तो मुझे पता है मैं आपको प्लीज नहीं कर सकता तो जैक्स कहते हैं आई डो नॉट डिजायर यू टू प्लीज मी मैं कब कह रहा हूँ कि आप मुझे प्लीज करिए मुझे मुझे खुश करिए आई डो डिजायर यू टू सिंग मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गाना गाइए बस कम मोरदर स्टैंडो कॉल यू देन स्टैंडो क्या कहते हो स्टैंड स्टैंडोज क्या कहते हैं जो कहते हैं आप वो गाइए तो एमिन कहते हैं वट यू विल तुमको जो कहना है वो कहो आपको जो कहना है वो आप कहिए स्टैंडो स्टैंड जो कहिए मोनजो जॉक्स तो जांच कहते हैं नहीं आई केयर नॉट फॉर द नेम्स मुझे खुद फिक्र नहीं है उनकी ना उसको क्या कहते हैं मतलब नेम्स यानी कि स्टैंडा कहते हैं या स्टैंडोज कहते हैं आई डोंट केयर दे ओ मी नथिंग वो मैं मतलब दे ओ मी नथिंग मतलब वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसा विल यू सिंग क्या आप गाओगे वो कन्फर्मेशन देते हैं तो ए मीन्स कहते हैं मोर एट योर रिक्वेस्ट दैन टू प्लीज माई सेल्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका रिक्वेस्ट है मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिल रही मतलब जितना मुझे खुशी नहीं मिल रही है उससे ज्यादा मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आपका ये रिक्वेस्ट है मोर एट योर रिक्वेस्ट जैक्स कहते हैं वेल देन इफ एवर आई थैंक एनी मैन अब वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा यहाँ स्पीच है मतलब थैंक यू को वो कितना घुमा फिरा के कहते हैं कि वेल देन इफ़ एवर आई थैंक एनी मैन अगर मैंने कभी किसी इंसान को थैंक यू कहा हो आई विल थैंक यू मैं सिर्फ तुम्हें ही थैंक यू कहना चाहता हूँ बट दैट अब वो कहते भी हैं कि बट दैट दे कॉल कॉम्प्लीमेंट इज़ लाइक द इनकाउंटर ऑफ टू डॉग एप्स वो कहते हैं जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग जो देते हैं वो ऐसा लगता है कि दो जो बबूंस हैं लंगूर जिसको बोलते हैं गेटिंग टुगेदर ओके तो, तो यहाँ पे एक वो मिसाल दे रहे हैं कि थैंक यू उनको ऐसा लगता है और थैंक यू थैंक यू उनको बहुत फॉर्मल लगता है और वो कहते हैं एंड वेन मैन थैंक्स मी हार्टेली और जब कोई इंसान मुझे दिल से थैंक यू कहता है मुझे क्या लगता है मी थिंग्स आई हैव गि हिम मा पैनी मुझे मैंने उसका एक पैसा दिया है एंड ही रेंडर्स मी द बेगल थैंक्स तो इसलिए मुझे थैंक यू कह रहा है हम लोग किसी फ़कीर को पैसा देते हैं ना तो हम लोग थैंक यू कहता है ना वो लोग वैसे ही तो वही वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इसलिए थैंक यू कर रहा है कि मैंने उसके लिए कुछ किया है कोई फेवर किया है अगर कोई दिल से थैंक यू कहता है मतलब उनको थैंक यू बहुत ही मतलब बेकार लगता है तो कम सिंग एंड यू दैट विल नॉट होल्ड योर टंग यू दैट विल नॉट मतलब जो नहीं गाएंगे वो शटअप रहे वो होल्ड योर टंग मतलब चुप रहे वो लोग जो नहीं गाना चाहते हैं वो लोग चुप रहें तो वी विल एंड द सॉन्ग वो कहते हैं सर कवर्स द वाइल आप स्टार्ट करिए द ड्यूक विल ड्रिंक अंडर द द्री जो ड्यूक है वो आएंगे ही ही बीन ऑल दिस डे टू लुक यू तो वो कहते हैं कि जो ड्यूक है वो पूरा टाइम जो है आप आपके लिए यू नो you know? आप जैक्स कहते हैं हैव बीन ऑल दिस डे टू अवॉइड हिम और हा मैं भी पूरा दिन उसको अवॉइड कर रहा हूँ इज़ टू डिस्प्यूटेबल मतलब बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है मैं कुछ भी कहता हूँ वो आर्ग्यूमेंट करते हैं मतलब मुझसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव है फॉर माई कंपनी आई थिंक ऑफ एज मैनी मैटर्स एज ही मैं भी वो चीज़ सब चीज़ सोच सकता हूँ जो वो सोच सकते हैं बट आई गिव हेवन थैंक्स पर मैं हेवन को यानी कि गॉड को थैंक्स कर रहा हूँ एंड मेक नो बोस्ट ऑफ देम और मैं कोई भी शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ नो no कम वो कहते हैं कम तो सब गाते हैं एवरी वन हु डॉट एम्बिशन शन जिसके ऊपर कोई एम्बिशन नहीं है एंड लव्स टू लिव इन द सन और जिसको यहाँ पे रहना सन मतलब फॉरेस्ट ओपन है कोर्ट नहीं है ना ये दरबार नहीं है राजा का ना सब कुछ पैलेस पैलेस तो नहीं है सीकिंग द फूड ही ईट्स और उसको हंट करना होगा अपना फूड लेने के लिए एंड प्लीज विथ वॉट ही गेट्स और खुश हो जो चीज़ को यहाँ पे मिल रहा है कम हिदा कम हिदा कम हिदा, कम हिदा। मतलब कम या कम या कम या यर शैल ही सी नो एनिमी बटविंटर एंड रफ वर तो जाक्स कहते हैं आई एल गिव योर वर्स टू दिस नोट मैं आपको एक और वर्स दूंगा एक ट्यून दूंगा डेट आई मेड यस्टरडे मैंने जो यस्टरडे को बनाया इन दिसपाइट ऑफ माई इन्वेंशन मतलब इट इज़ नॉट वेरी इमेजिनेटिव मैंने बस ऐसे ही बना लिया है तो एम्स कहते हैं आई एल सिंग इट फिर वो पेपर लेते हैं जाक्स के और कहते हैं दस इट घोस ऐसा है इफ़ इट डू कम्स टू पास अगर किसी को है दैट एनी मैन टर्न एस अगर वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई गधा बन गया है वो किसा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लिविंग इज वेल्थ एंड ईज क्योंकि वो लोग अपना वेल्थ अपना सब कुछ कंफर्ट को छोड़ के यहाँ हैं गधा गधों की तरह यहाँ रहने के लिए तो वही कह रहे हैं आ स्टबन विल टू प्लीज सिर्फ एक स्टबन विल को प्लीज करने के लिए एक जिद को डक डेम डक डेम डक डेम शैल ही सी ग्रॉस फूज एज ही मतलब यहाँ देखेगा वो फूज एज स्टूपिड ठीक है एज ही एंड एंड इफ़ ही विल कम टू मी यहाँ अगर वो आएगा तो एम इन्स कहते हैं वट इज़ द डक डेम तो जाक्स कहते हैं इट इज़ द ग्रीक इन्वोकेशन टू कॉल फूल्स इन टू अ सर्कल ये ग्रीक इन्वोकेशन है तो हम लोग सब फूल्स हैं ना यहाँ पर एक सर्कल में हम लोग यही मैं स्लीप कह रहा हूँ डक डेम आई विल गो स्लीप इफ़ आई कैन वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ एक नेप लेने इफ़ आई के नॉट आई विल रेल अगेंस्ट ऑल द फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट तो मैं सबको कर्ज करूँगा फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट को फर्स्ट चिल्ड्रेंस कोके तो एमेंस कहते हैं गो द जूक इज बैंकुट इज प्रिपेयर मैं जा रहा हूँ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ बैंकुट क्योंकि रेडी हो गया है ड्यूक का मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं स्टूडेंट्स एक्ट टू सीन सिक्स में मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बिकॉज इज अ वेरी वेरी शॉर्ट सीन ओके सो नाउ लेट स्टार्ट एंटर ओलैंडो एंड एडम एडम डियर मास्टर आई कैन गो नो फर्दर मैं और आगे नहीं जा सकता वो लोग भी आ गए फॉरेस्ट में ठीक है रॉजलेंट और सिलिया भी है ऑलैंडो भी आ गए एडम भी आ गए हैं ड्यूक सीनियर ऑलरेडी है इस सीन में उनके सारे लॉर्ड्स के साथ ओ आई डाई फॉर फूड मैं मर रहा हूँ फूड के लिए हियर लाई आई डाउन एंड मेजर आउट माई ग्रेव मैं यहाँ पर एकदम लेट गया हूँ और आप देख लीजिए इतना ही में, में मेरा ग्रेव होगा मतलब मेरा कबर होगा आप इसको खोद दीजिएगा मैं और नहीं चल सकता आगे फेयरवेल काइंड मास्टर वो कहते हैं हार्ट इन दी नो तो बोले कि नो ग्रेटर हार्ट नो ब्रेवर देन दिस थोड़ा कम्फर्ट लिटिल अपने आप को थोड़ा और कम्फर्ट करो चेयर दाई सेल्फ मतलब कुछ तो मतलब चेयरफुल रहो इफ दिस अनकाउट फॉरेस्ट अनकाउट मतलब जो 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 अनकाउट मतलब जो वाइल्ड फॉरेस्ट है येल्ड एनी थिंग सैवेज कोई भी अगर सावेज यानी कुछ भी खाने का एनिमल्स भी अगर है आई विल ईदर बी फूड फॉर इट मैं उसके लिए मैं फूड बन जाऊंगा और ब्रिंग इट फॉर फूड टू दी या मैं उसको मार के तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा कुछ भी अगर इस जंगल में मिलेगा मैं तुम्हारे लिए लेकर ही आऊँगा दाई कंसीड इज़ नियर अर डेथ दैन दाई पावर्स तो कह रहे हैं कि तुम्हारा डेथ तुम्हारे पास इतना नज़दीक नहीं है तुम अभी बहुत पावरफुल हो स्ट्रॉन्ग हो मतलब मोटिवेट कर रहे हैं फॉर माई सेक बी कंफर्टेबल मतलब अपने death को, अपने को तक दूर रखो अभी मत आने दो अगर मैं नहीं आया तुम्हारे पास कुछ भी लेकर खाने का आई विल गिव दी लीव टू डाई तब मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा कि तुम मर सकते हो बट इफ thou डाइस बिफोर आई कम अगर तुम उससे पहले मर गए thou art अ मॉकर ऑफ माई लेबर तो तुम एक तरह का मजाक उड़ाया मेरे लेबर मेरे एफर्ट्स का मैं तो जाऊँगा कुछ भी हंड करूँगा ले आऊँगा और अगर मैं आके देखूँ कि तुम नहीं हो जिंदा तो ये मेरे मजाक उड़ा है उड़ाए वेल सेट दाव लुक्स च्योरली और फिर वो खुश हो जाते हैं और तो चेयरफुल हो जाते हैं तो उसे तो ठीक है तुम अभी च्योरली लिख रहे हो सही दिख रहे हो एंड आई विल बी विथ दी क्विकली मैं बहुत जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास येट दाव लाइस इन द ब्ली केयर क्योंकि तुम यहाँ कोल्ड बहुत ठंडा है तुम यहाँ पे हो कम आई विल बेयर दी टू सम शेल्टर वो उसको उठा के ले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ आपको कहीं शेल्टर के पास लेके जाता हूँ एंड दाउ शेड नॉट डाई फॉर लैक ऑफ अ डिनर मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप इसलिए नहीं मरिएगा कि आपको खाने को कुछ नहीं मिला इफ़ देअर एंड लिव एनी थिंग इन दिस डर अगर कुछ भी है ये डेजर्ट में ये फॉरेस्ट में तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा चीयरली गुड एडम तो कहते हैं चीयर अप गुड एडम और फिर वो एग्जिट हो जाते हैं उन दोनों का यहाँ से सीन फिर एग्जिट हो जाता है तो इसलिए भी बहुत स्मॉल सीन था इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्रेशन के लिए इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो के साथ एक्सप्लेन कर दिया है ओके okay, अब आपको यहाँ आगे पता चलेगा कि ये सब एक जगह हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड uh, अगर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है आप प्लीज़ वो भी मुझे टेक्स कर दीजिए सॉरी uh, आप वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए आपको इसके बाद जो पढ़ना है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको भी जल्दी से स्टार्ट करूं जैसे मैंने कमेंट भी नहीं देखा था कि बहुत लोग एज यू लाइकेड पढ़ना था तो मेजॉरिटी का जो कमेंट्स था मैंने वो स्टार्ट किया अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ और पढ़ना है और सब अगर एक अगर सब हैं होंगे जो मैं मेजॉरिटी कमेंट्स देखूँगी फिर मैं वैसे ही डिसीजन लूँगी और मैं उसको स्टार्ट करूँगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू